ओ भाई साहब, आप देखो जरा रात को देखो भाई, कितना ब्यूटीफुल लगता है भाई साहब। तो फ्रेंड्स फाइनली हम रिज के ऊपर पहुंच चुके हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। तो भाई आज है चौथा दिन और भाई हमने सब कुछ फिर से पैक कर लिया है, क्योंकि हम उठ जाते हैं 5 बजे जब थोड़ा सा अंधेरा होता है। तो चाय चूँ बना के अब हम पूरे फ्रेश होके सब कुछ अपना बैग बुक लग के बाइक के ऊपर अब यहाँ से निकलने की बारी है। तो भाई जगह का नाम है खस्तल, जहाँ पे हमने रात को स्टे मारा था। तो बस बाइक हो रही है अपनी दोनों कॉल स्टार्ट और निकलते हैं यहाँ से। पहले जाएंगे हम रामपुर, फिर रामपुर देखते हैं, अगर टाइमली पहुँच गए तो भाई फिर हम शिमला रुकेंगे आज और आपको बताते हैं सब कुछ। मिलते हैं सीधा अब आपको रास्ते पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे खड़े हम थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बताया था मैंने रास्ते में कि बाइक के टायर की हवा कम हो रही है बार बार, तो अब आई थिंक शायद पंचर ना हो तो यहाँ पे हम चेक करवा रहे हैं। और भाई हाथ की जमी हुई है कुल्फी टाइम। धोखा दे रही है बीच में है? नहीं नहीं धोखा नहीं दे रही है, बहुत साथ दे रही है। धोखा देना होता ना उसी टाइम बैठ जाता टायर। हाँ धोखा नहीं देती है, लड़कियां देती है धोखा। चक्को कितने रखो रखो तो मेरे ओ उधर उधर मैं रख देता फ्रेंड। हल्का है तो हल्का यार। हाँ अभी हम जवान है वैसे भी, उठा सकते हैं ना इतना सा उठा। हाँ नहीं नहीं मैं सयाना हूँ, आप जवान हो। लगवाते हैं इसमें पंचर, बाकी देखते हैं बाल वगैरह लीक ना हो गई। तो भाई अपनी ग्रीन ब्यूटी में पंचर लग चुका है भाई, बहुत ज़्यादा ब्रेक पंचर था। तो बस अब निकल रहे हैं रामपुर के लिए भाई, यहाँ से 28.5 किलोमीटर है। मैं भी मतलब आधे घंटे में पहुँच जाएंगे हम, क्योंकि थोड़ा सा रास्ता ख़राब है अभी भी, तब करके टाइम ज़्यादा बता रहा है गूगल, वो तो 1 घंटा बता रहा। और भाई रिएक्शन चेक करो ज़रा, ऐसी कोई मुंडी नहीं है जो घूमती नहीं होगी। हाय 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 हाय, एक तो खड्डे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फंस चुके हम जाम में, और भाई इतना गंदा रास्ता भाई कसम से, बहुत गंदा बहुत गंदा बहुत ख़राब रास्ता है भाई। ये तो कुछ भी नहीं भाई, पर सोच लो अभी यही रास्ता इतना बुरा ना, हमने इससे भी बुरा रास्ता भाई ऊपर देखा है। निकलना तो पड़ेगा भाई, नहीं तो धूल से ना पूरे भर जाएंगे हम। धीरे धीरे करके एक एक करके पास तो लेना पड़ेगा इन सबसे भाई, हालत ना खस्ता हो जाती है भाई, बुरी हालत हो गई है यार। भाई जब खड्डे में बाइक पड़ती ना भाई, कसम से कितनी सी ब्रेक लगाएं और कितना सा कंट्रोल करें भाई, तब भी खड्डे में पड़ी जाती है। और भाई ये फिर दिल में दर्द होता है सीधा। एक तो गियर का सीन भी हो रहा, उंगलियां सुनने क्लच नहीं हो रहा ढंग से। हाय भाई बड़ा गंदा पैच था, आखिरकार निकल ही गए। और भाई सामने देखो धूप पूरी खिली हुई है, बस इस पहाड़ी के पीछे है सूरज। बस अब पहुंचने वाले हैं रामपुर, सारा ही अपना यहाँ से 7 किलोमीटर है। हम रामपुर में एंटर हो चुके हैं और भाई ये जितना भी देख रहे हो सारा रामपुर है, और एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। ओ भाई सुमित भाई तो खींच देते हैं भाई बाइक एकदम से।
भाई लग गए रौनके लगाने स्मित भाई पूरी। वो देखो बने हुए इस टाइम गोस्ट राइडर पूरे। एक तो अभी मार्केट खुली रही है, वाह वाह, यही तो हमें चाहिए और क्या चाहिए, यही तो हमारा सुकून है भाई। ओ भाई ये क्या कर रहा है ऑटो वाला, चल भी रहा है आगे आगे पीछे भी देख रहा है, ऐसा नहीं कि ब्रेक लगा ले। सबका अपना अपना तरीका है चलाने का, अब क्या बोल सकते हैं किसी को, बस वही है कि अपनी सेफ्टी अपने ही हाथ में है, हमें ही बच कर रहना पड़ेगा सबसे। ये कहाँ बांट रहा है, घुसा ही दी आखिरकार। ओ भाई 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 देख रहे हो क्या कर रहे हो, भाई दूसरा ही मजा आता है जब हाई आरपीएम पे जाती ना सुमित भाई की बाइक, खतरनाक नेक्स्ट लेवल, कोई रीस नहीं है। लगे फिर से तैयार होने, पूरे फॉर्म में लगे आने भाई। कैमरे ये डाउन है इनका, पता नहीं है कुछ नहीं। अंदर को रख ले अपनी गाड़ी, भाई साहब हमें भी इनके साथ चिपकना पड़ता है पूरा, पर ज्यादा भी नहीं चिपकना, वो वाला किस वाला सीन नहीं करना। सामने से भी तेज आ रही है गाड़ी, रिस्क तो लेना नहीं कभी जिंदगी में। अब ये बस वाला हमें पास नहीं लेने देगा, क्या करें यार, लेना तो पड़ेगा ही। देखो फ्रेंड्स स्कूल बस चली हुई है, और रिएक्शन चेक करो जरा, वीडियो वगैरह बना रहे हैं बच्चे। बाय 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 बाय। मतलब क्रेज तो मोटा ही है भाई बाइकों का, और खासकर सुपर बाइक का क्रेज भाई, बच्चों में भी भाई हम में भी बहुत क्रेज है सुपर बाइक का, तो कहीं दिख जाती है ना तो भाई पागल हो जाते हैं हम तो भाई बस शिमला सारा रह गया यहाँ से 60 किलोमीटर, और भाई इतने अच्छा व्यू है ना इस रास्ते पे भाई। वो देखो भाई सामने बर्फ की पहाड़ियाँ दिख रही है पूरी भाई, पेड़ देखो जरा कितने ऊंचे ऊंचे है भाई, कि मतलब गोप्रो में भी नहीं समा रहे भाई। ऐसा लग रहा है ना फ्रेंड्स कि जैसे हम बादल हमारे साथ साथ चले हुए हैं भाई, बादल देखो आप जरा फ्रेंड्स साथ साथ में चले हुए हैं पूरे, ऐसा लग रहा है। वो देखो भाई मतलब इधर का भी नेक्स्ट लेवल व्यू है भाई, जो कि अपना शिमला को जाता है रास्ता, रामपुर वाला, रामपुर से शिमला, नेक्स्ट लेवल व्यू आते हैं भाई रास्ते में। तो फ्रेंड्स कुफरी हमने क्रॉस कर लिया है, बस अब शिमला रहा है यहाँ से 12 किलोमीटर, तो यहाँ पे हमने याक भाई के साथ फ़ोटो खिंचवाई, भाई ने खिंचवाई असली फ़ोटो, हमने तो भाई हमें तो डर लगता है, हमने तो ऐसे ही मतलब हग करके खिंचवाई है थोड़ी सी। तो चलो निकलते हैं अब यहाँ से बिना टाइम वेस्ट किए हुए, तो क्योंकि 3:30 हो गए भाई, सोचा था कि 3:30 बजे हम रूम में पहुँच जाएंगे, पर बट नहीं, रूम में हम पहुँचेंगे कोई 4 बजे के करीब। 4 बजेंगे ना? हाँ आराम से 4:30 भी हो सकते हैं मे बी, रूम ढूंढना भी है ना, ढूंढना क्या। हाँ रात के टाइम अगर ठीक रहे तो हम आपको रिज भी दिखाएंगे। चलो निकलते हैं,
भाई यहाँ पे ना ठंड बहुत है यहाँ पे भी। बेचारे कितने मासूम हैं यार, छोटे छोटे, ये देखो ज़रा कैसे खड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स मेरी बैटरी हो गई थी लो, तो हमें होटल मिल चुका है, होटल का नाम है रॉयल किंग। तो हमने फ्रेश वगैरह हो गए पूरा, अब नहा धो के निकल रहे हैं रिज की तरफ। तो आपको रिज के नज़ारे दिखाते हैं अब रात के। और भाई ये रही अपनी ग्रीन ब्यूटी, ये नहीं जाएगी, सिर्फ मेरी बाइक जाएगी, एक भी जाएंगे मैं और भाई। वो देखो वो रे हमारे स्मार्ट बॉय, क्या हो गया? इसको रुको रुको रुको, खोलनी नहीं है, खोलनी नहीं है, मैं बताता क्या करना है इसका। ये पकड़ो बाइक पकड़ो, जाएगी तुन्नी ना, ये मैंने पहले भी किया था। याद नहीं आ रही, किया तो था मैंने इसको ना फोल्ड करके यहीं पे बांधा। ठीक है, ये नहीं खोलनी ना, ये तो परमानेंट ही है। तो भाई रस्सी तो भूल ही गया था मैं, ये तो शुक्र भाई ने बता दिया। मैं नहीं 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 ये नहीं जाएगा, ये हार्ड है, बैठ जाओ, बैठ गए। लकड़ी है तो भाई फीट पूरी है, लकड़ी है ऐसे ही है तो लकड़ी। तो भाई रूम्स बहुत अच्छे थे इनके, ये देखा कितने डाउन है क्लच प्लेट है, हमारा ब्रेक पूरा हो गया है। तो भाई नाइट आउट का ना अलग ही नजारा है, आप देखो जरा रात को देखो भाई कितना ब्यूटीफुल लगता है भाई साहब। शायद ही दिख रहा होगा आपको, पर भाई जो अपनी आंखों से देख रहे ना रात, भाई शिमला घूमना चाहिए रात को भाई। पर भाई बाइक के ऊपर, कार के ऊपर नहीं, क्योंकि भाई की कार में तो बंदा फंस जाएगा ट्रैफिक के बीच ही, और बस भी होगी अगर तो बस भी फंस जाएगी। तो इसलिए भाई अपना व्हीकल हो ना, अगर तुम बाइक हो भाई, बाइक नहीं फंसती कहीं पे भी नहीं। तो अब हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं, वो लिफ्ट वाली, क्या कर रहा है तू? भाई शिमले का जाम है ना जो, एक तो बस आ रही, देखो आल्टो वाले, देखो इयोन वाले ने कहाँ बांट दी है अक्कल इसको, देखा आपने कहाँ घुसाई है इसने। मना भी की मैंने इसको, हाथ दिया बट नहीं। भाई बाइक वालों को टपना दे, ट्रैफिक कम ही होगी। ये रही लिफ्ट, आई लव शिमला। अब पार्किंग ढूंढते हैं यहाँ पे, एक पार्किंग का ही बहुत इशू है यहाँ पे, पता आपको? हाँ, और देखो फुल है आई थिंक, हाँ है ना, बाइक के लिए है, बाइक हम बाहर देंगे अपनी। चेन लगी आई थिंक है ना, कहाँ से आगे से देखता, रुको जरा। भाई शिमला में ना बहुत दिक्कत है इस चीज़ की, पार्किंग की। और भाई तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें अब बाइक हमने पार्क की, और यहाँ से हमें 500 मीटर पैदल जाना पड़ेगा, उसके बाद लिफ्ट आएगी। तो लिफ्ट, दो लिफ्टें होंगी ठीक है ना, वो दोनों लिफ्ट से जाएंगे तो फिर हम रिज पे पहुँच जाएंगे ऊपर, फिर मिलते हैं आपको सीधा ऊपर ही। तो फ्रेंड्स फाइनली हम रिज के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो भाई मतलब यहाँ का नज़ारा ना अल्टीमेट है भाई, नाइट मतलब एक बार ना रात को घूमना चाहिए भाई, दिन दिन में तो सभी घूम लेते हैं पर भाई रात का ना अलग ही नज़ारा है भाई। देखो जरा कितना ज़्यादा क्राउड है इधर,
शायद ही दिख रहा होगा भाई आपको कराड़ा। और भाई ये नया खुला फूड वगैरह यहाँ पे, भाई अंदर चलते हैं, मेरे को भी नहीं अभी इतना पता भाई, तो आपको फ्रेंड्स दिखाते हैं सब कुछ क्या क्या है अंदर। इसको मैं नहीं देखता। चलो ठीक है, तो फ्रेंड्स भाई साहब मतलब खाने के लिए भाई यहाँ पे सब कुछ है भाई, हिमाचल का फूड भाई, दाम धूम वगैरह सब कुछ है, लिखा हुआ है भाई यहाँ पे। और भाई नई नई एटमें हैं यहाँ पे भाई, नई नई चीज़ें हैं खाने को भाई यहाँ पे, नहीं मेरे को तो नए नए नाम ही दिख रहे हैं यहाँ पे। तो भाई हम भी चखेंगे थोड़ा थोड़ा सब कुछ, पर अभी थोड़ा सा घूम लेंगे, नहीं तो घूमा नहीं जाएगा भाई। तो पूरे खाने के मूड में आ चुके हैं इस टाइम, इनसे रहा नहीं जा रहा मेरे को लग रहा। ओ सॉरी, ठीक है मैं भूल गया इसको, इसको क्या बोलते हैं, सिड्डू। तो फ्रेंड्स सिड्डू अब मैंने कभी टेस्ट नहीं किया, आज करते हैं फर्स्ट टाइम टेस्ट इसको और बताते हैं आपको रिव्यू इसका। और भाई आप भी इन चीज़ों को इंजॉय करना, और भाई इन चीज़ों को भाई आप भी खा के देखना, देखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, डिलीशियस लग रहा है पूरा, बाकी खाने के बाद ही लगेगा पता हो रहा है ना, मेरे भी हो रहा है भाई साहब। यहाँ पे देखो ज़रा कितना ज़्यादा क्राउड है भाई, शिमला में ना भाई बहुत दूर दूर से आते हैं बंदे, पर मैक्सिमम हो गया दिल्ली चंडीगढ़, क्योंकि उस साइड से नज़दीक पड़ता है, तो भाई मतलब यहाँ पे आते रहते हैं उस साइड से बंदे। और भाई ये देखो चंबा धाम। तो फ्रेंड्स हमने सिड्डू खाया भाई, मतलब इतना ज़्यादा टेस्टी था, और भाई देसी घी से बना हुआ है पूरा, मतलब नो वर्ड्स भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा था, पहली बार खाया। और भाई मतलब आप भी खा के देखना भाई, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और भाई यहाँ पे देखो हमारे छोटे भाई मिल चुके हैं हमें, और भाई इन्होंने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया है, और बढ़िया चले, चलो ठीक है ठीक है, अच्छी बात है चले। तो फ्रेंड्स हम घर पहुंच चुके हैं, तो सीन ऐसा हुआ कि हमारे रिच पे कैमरे की हो गई थी बैटरी ख़त्म, तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे हम, तो हम रूम में आ गए थे और फिर हमने खाना खुना खा लिया था और फिर सो गए थे। तो सुबह हम एकदम से जल्दी घर के लिए निकल गए क्योंकि घर पर था थोड़ा सा काम। तो आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी, और भाई ढेर सारा प्यार दिखाना इस सीरीज़ पे। और तो स्मित भैया जा रहे हैं घर, कलर देखो जरा एक बार, अच्छा मैदे का नहीं होता, नहीं, ये किस चीज़ के बनता है, रागी, रागी। नहीं नहीं ना सुने, ये एक खा लिए पूरा, क्या अलग अलग खा सकते हैं, अच्छा डिस्प्ले किया हुआ है, ये एक प्लेट दे दो। तो फ्रेंड्स अब ये भी हम ट्राई करने वाले हैं और आपको रिव्यू बताएंगे इसका भी, रागी मोमो, आप बोले ब्लैक मोमो, मेरा नाम रखा ब्लैक मोमो, मेरे बच्चे बोलते चॉकलेट मोमो, चॉकलेट। तो भाई इसका भी थोड़ी देर बाद हम रिव्यू बताते हैं आपको ना। तो फ्रेंड्स अब हम ट्राई करने जा रहे हैं क्या, सिद्धू रागी मोमो, हाँ रागी मोमो मेरे को उसका याद आ रहा भाई, स्वाद है उन जो भाई जो फ्रेंड्स हम खाते नहीं हैं जो मोमोज भाई, उनसे बिल्कुल ही अलग है, और भाई इतने ज़्यादा डिलीशियस है ना भाई, अब वो मन नहीं करेगा वो खाने का भाई, यही मन करेगा खाने का, इतने स्वाद है भाई। और आप भी दो कुछ रिव्यू हमारी पब्लिक को, कैसे हैं, बहुत बढ़िया, फिलहाल तो खाने में ध्यान है मेरा, हाँ इनका खाने में पूरा ध्यान है। चलो तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपको, है ना। फ्रेंड्स हम घर पहुंच चुके हैं, तो सीन ऐसा हुआ कि हमारे रिच पे कैमरे की हो गई थी बैटरी ख़त्म, तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे हम, तो हम रूम में आ गए थे और फिर हमने खाना खुना खा लिया था और फिर सो गए थे। तो सुबह हम एकदम से जल्दी घर के लिए निकल गए क्योंकि घर पे था थोड़ा सा काम। तो आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी, और भाई ढेर सारा प्यार दिखाना इस सीरीज़ पे। और भाई आज जा रहे हैं घर वापस, तो ये देखो अपनी बाइक वगैरह पूरी वॉश करवाई है कल, चेन वगैरह जो ब्रेक का काम था वो भी सारा,
यहाँ पे भाई वगैरह पूरे तैयार हो चुके हैं इस टाइम। वो देखो कैसे बढ़ रही है ना, मेरे साथ तो आपने बात ही नहीं की ना। ओ किया, चलो 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 है? ओके ठीक है, मैं ध्यान रखना, ध्यान से आना और सेफ राइड और स्लो चलाना। मैं बोल रहा हूँ मेरे को वाला ना कौन भाई दोस्त है, दसूंगा वीडियो तेनू कल बोला भाई 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 भाई। ठीक है फिर है ना, बाय बाय बाय। तो अपने भाई भी चले गए पालमपुर। तो भाई आई होप आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगेगी, और भाई मतलब सपोर्ट करना पूरी, ठीक है ना। और आपको जल्दी ही और ब्लॉग भी आ जाएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब के लिए टाटा बाय बाय।